लेके जाना पड़ेगा भाई 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 भाई। तो इस वाला जो हमारा बाइक है, ये बाइक हमने बेच दिया, ठीक है। और अभी दूसरा बाइक खरीदने के लिए सोच रहे हैं। एक तो हमारा है प्लेटिना 110cc का, और अभी ये वाला बाइक, ये जो एसी बार बाइक है, इस बाइक को खरीदने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी थोड़ा मतलब टेस्ट कर रहा है कि कैसा लगता है बाइक को राइड करके। तो ये वाला जो बाइक है, इस बाइक को अभी राइड करके थोड़ा बहुत टेस्ट करके आता हूँ, ठीक है। और इस तरफ एक मतलब अच्छा सा जगह है, लोकेशन है, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेल्फ में भी स्टार्ट लेता है, तो सेल्फ भी कोशिश करते हैं। बस सही है, चलो। ये जो एसी पर बाइक है, इस बाइक का जो साउंड है, साउंड मुझे अच्छा लगा। ऐसा साउंड होगा तो ठीक है। तो क्या, चलो थोड़ा हमारा लोकेलिटी को घूम के दिखाते हैं आप सबको। ये देखो पतंग उड़ा रहे बच्चे लोग इस साइड में। ये पतंग अभी टाइम आ रहा है पतंग उड़ाने का। अगर हम इस रोड से जाएंगे तो सीधा मुंदे तक जा सकते हैं इस रोड से, पर हम मुंदे नहीं जाएंगे। पर यहाँ पे एक रिवर है, उस रिवर के पास जाएंगे तो सीधा जाना पड़ेगा हमें। तो जा रहा हूँ अभी। ये रोड का जो कंडीशन है, ऐसा कंडीशन जो हमारे यहाँ पे बाहर आता है ना, असम तो बाहर के लिए फेमस है, तो उसी बाहर के कारण ऐसा कंडीशन हुआ है अभी हमारा ये रोड का। देखो गाइस, देखो कितना टूटा फूटा करके गया है। ये बैम्बू का बना हुआ है, इसी के ऊपर से जाना पड़ेगा। ये है पुल, जा पाएंगे कि नहीं, ठीक है ना। देखो भाई टूटा फूटा हुआ है, क्या कर सकते हैं। बाहर के कारण देखो पूरा घर टूट गया, कैसा हो गया। रोड तो गया गया है और घर भी टूटा हुआ है भाई साहब। कंडीशन उतना अच्छा नहीं है भाई। एकदम लोकल एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है भाई। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। वापस से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। ये छोटा सा एक रोड बना हुआ है, ये इसी रोड से जाएंगे तो भी अंदर अंदर से जाएंगे। देखो भाई इस साइड पे है नदी, अरे साइड साइड से रोड जाता है। ये देखो, अरे साइकिल को चलाओ। ये देखो भाई कितना छोटे बच्चा साइकिल चला रहा है नदी के साइड साइड में। ये है हमारा लोकेलिटी का रोड, ये नदी के साइड साइड से रोड। इस पे रोड का काम क्यों नहीं आता पता नहीं, पर अगर आएगा तो काम करेगा, तो भी गारंटी नहीं होता है ना। एकदम नदी के साइड साइड से सर नदी अगर इस साइड में आएगा तो टूट जाएगा। नदी तो मस्त दिख रहा है। तो गाइस रोड का कंडीशन कैसा है और ब्लॉक को कैसा लग रहा है देख सकते हो। और ये जो बाइक है, इस बाइक को मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ राइड करके। ऐसे बाइक तो ठीक है, मतलब पुराना बाइक है ना, तो इतना तो होगा ही होगा। इधर कत दूर जान जाओ, ऐसा कत दूर जान जाओ, जान जाओ ना। तो गाइस अभी चाचा को पूछा था कि रोड का कंडीशन कैसा है, उन्होंने बोला कि रोड का कंडीशन एकदम अच्छा नहीं है। तो हम एक अच्छे से लोकेशन देखकर नदी के साइड में बैठेंगे भाई साहब। कैसे कैसा रूट रहता है भाई, ये देखो एकदम साइड से जाना पड़ेगा, रिक से। ओ किसी भी तरह करके तो आ गया, हमें मेन रोड ढूंढना पड़ेगा, इसी रोड से नहीं जा पाएंगे ज़्यादा दूर। कंडीशन अच्छा नहीं है भाई। तो गाइस यहाँ पे सामने रोड अच्छा नहीं है, तो इसी रोड से नहीं जाएंगे, पूरा गंदा है। तो इस साइड से भी एक छोटा सा रोड है, उसी रोड से जाने के लिए कोशिश करेंगे। तो देख सकते हो गाइस हमारा जो लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी का कैसा अभी धान खेत लोगों ने लगा दिया है, ऐसा कितना सुंदर दिख रहा है और अच्छा दिखेगा भाई साहब। खतरनाक है, काफ़ी खतरनाक है, तो भी जाना पड़ेगा ऐसा। एकदम साइड साइड से जाना पड़ेगा। ओ माई गॉड, देखो तो ये एक्चुअली में रोड नहीं है, लेके जाना तो काफ़ी मुश्किल। ओ माय गॉड, पता नहीं कैसा जाएगा, दिस इज़ टू मच रिस्की। तो गाइस देखो ऐसा छोटा सा रोड है, ठीक है,
रोड नहीं है एक्चुअली, ये पैदल जाने का रोड है, तो अभी इसमें से हम पे बाइक लेके जाना पड़ेगा। अभी तो फंस गया, अभी दूर दिख रहा है रोड है, बहुत दूर है, तो इसी रोड से जाना पड़ेगा। चलो भाई साहब, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी लेके जाना पड़ेगा। भाई 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 भाई, ओ माय गॉड, तो भी हमारा अगर बाइक होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, मतलब हमारा जो मैं जो जिस बाइक को एनी टाइम राइड करता हूँ, ये तो आज ही मैं पहली बार लाइफ में मतलब राइड टेस्ट राइड करने के लिए लाया, तो सोचा कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं इस साइड से, पर रोड ही नहीं निकल रहा है भाई साहब। ऐसा अगर थोड़ा मोटा सा आएगा तो भी ठीक है, पर ज़्यादा ही मतलब छोटा है तो ऐसा दिक्कत होता है। चलो आज ही लाया हूँ इसको टेस्ट करने के लिए, और ऐसे ऐसे रोड से मैं टेस्ट कर रहा हूँ भाई साहब, क्या ही बताऊँ। देखो भाई, और ऊपर से डाबलिंग लेके चल रहा हूँ, छोटा सा रोड है, कभी भी लोग खेत में जा सकता हूँ, तो भी अरे अरे भाई, अरे आ गया, बच गया। आप सही है भाई, आप कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है तो भी टेंशन है। अरे और थोड़ी दूर जाएंगे नदी के साइड साइड से, अच्छा लग रहा है। ये देखो भाई साहब, नदी के साइड साइड से रास्ता है भाई। देखो भाई, मिर्ची का खेत, ठीक है, जो मिर्ची आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, वही मिर्ची का खेत है, पूरा खेत, बड़ा वाला खेत यहाँ पे करके रखा है इन्होंने। मुंदिया जाने के लिए तो बहुत शॉर्टकट है भाई, हमारा घर से मुंदिया ये सीधा ही आ सकते हैं, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतना सीधा और ऐसा शॉर्टकट आ सकते हैं। क्लेटी को पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, ऐसे जैसे कि ऐसे अभी जो मैं इस रोड से आ रहा हूँ, इस रोड से ऐसे बहुत पहले मैं जाता था। ये देखो मशीन, इसी मशीन से मिट्टी को इस तरफ लाया जाता है नदी से। यहाँ पे अभी टेकला वाला आके पहुँच गया, टेकला वाला जो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर हुआ अभी, और यहाँ पे थोड़ा आके आराम से रेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे है आइसक्रीम, चलो चाचा के पास जाकर आइसक्रीम खाते हैं। तो गाइस, ये है मेरा भाई, और अभी अपन दोनों बाइक को एक्सचेंज करेंगे। भाई इसी बार लेके मुंदिया जाएगा, और मैं इस बाइक को लेके अभी घर पर चले जाऊंगा। तो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो को कैसे लगा, और चैनल भी अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, ठीक है। तो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।